हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू कंस्ट्रक्ट 40 डिग्री एंगल। 40 डिग्री एंगल हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, पेंसिल कंपास यूज़ करके हम लोग कैसे 40 डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, पहले एक लाइन ले लेंगे हम। ये हमारा ए बी लाइन, ए पॉइंट एंड ये बी पॉइंट, ठीक है। अभी पेंसिल कंपास के कोई भी एक सुइटेबल रेडियस लेके ए पॉइंट पे बिठाना है। ए पॉइंट पे बिठा के एक एक आर्क ड्रा करना है। देखिए, रेडियस को कोई चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे पेंसिल कंपास को बिठा के एक आर्क ऐसे ड्रा करना है। तो ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, इसको अगर हम ए पॉइंट एंड ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को टच करके लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यह हमारा होगा 60 डिग्री एंगल, ठीक है। हम ये 60 डिग्री एंगल को अगर बाइसेक्ट कर देंगे तो 30 डिग्री एंगल मिल जाएगा। तो चलो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यह हमारा 30 डिग्री एंगल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। अभी ये पॉइंट पे पेंसिल कंपास को बिठा के एक आर्क ऐसे ड्रा करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट पे पेंसिल कंपास को बिठा के एक आर्क ऐसे ड्रा करना है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे पेंसिल कंपास को बिठा के एक आर्क ऐसे ड्रा करना है। तो फाइनली ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, ये पॉइंट एंड ए पॉइंट दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए, ठीक है, ये हमारा सी। तो ये जो एंगल क्रिएट हुआ, ये मेरा 40 डिग्री एंगल। चलो चेक कर लेते हैं। तो देखिए, एग्जैक्ट 40 डिग्री एंगल बन गया है। तो ठीक है, ये हमारा 40 डिग्री। तो एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमारा 40 डिग्री एंगल बनाने के लिए एक मेथड है। आप लोग ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने जो 80 डिग्री एंगल ड्रा करने का मेथड दिखाया था, वो मेथड अप्लाई करके आप लोग पहले 80 डिग्री एंगल ड्रॉ करना, उसके बाद 80 डिग्री एंगल को अगर आप लोग बाइसेक्ट कर देंगे तो आपको 40 डिग्री एंगल मिल जाएगा। कोई भी मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।